लुकवासा प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पिछोर प्रवास के दौरे पर शनिवार को देहरादून तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और निवासियों ने स्वागत और माल्यार्पण किया। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भरोसी शर्मा ने मंत्री सिसोदिया से देहरादून तिराहे पर ओवरब्रिज के नीचे महीनों से बने गड्ढे को दुरुस्त कराने व नाली बनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक संख्या में बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि बड़े वाहन के पलटने का खतरा बना रहता है, जिसके कारण ब्रिज के नीचे हाथ ठेला की दुकानदार व फ्लाईओवर के नीचे बैठने वाले यात्रियों में दहशत का माहौल बना रहता है। इस मौके पर भाजपा नेता हरवीर रघुवंशी, राम भरोसी शर्मा, ओपी भार्गव, पवन शिवहरे, बबलू रघुवंशी, दीपा रघुवंशी, बलवीर निवोरिया सहित स्थानीय व क्षेत्रीय नेता और लोग मौजूद रहे। गड्ढों में से निकलते प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का वाहन, जबकि आए दिन निकलते हैं अधिकारी और नेतागण। क्या कारण, क्या मामला था जो गड्ढों को लेकर? आज हमारी श्रीमंत के दौड़ा के जो है हमारे प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी पिछोर गए हुए हैं। महाराज साहब का दौड़ा है, उसकी व्यवस्था के लिए हमने उनका यहाँ सभी लोगों ने स्वागत किया और हमारे जो धरदा तराय पे ये गड्ढे बने हुए हैं, पैर में बहुत से हादसा हो गए हैं। कईयों के पैर में फ्रैक्चर हो गया, कोई के हाथ में हो गया, किसी के दस दो चार लोगों के दस लोग इसमें गिर भी गए हैं। और जो है हमने उनको दिखाया तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं अभी अधिकारियों से बात करके इसको ठीक कराएंगे और प्रभारी मंत्री महोदय इसको ठीक कराने के आश्वासन दे गए।